वे प्राणी धन्य हैं और उनका सर्जनहार प्रभु धन्य धन्य है, जिन प्राणियों ने मन के विकार मन से त्याग दिए हैं, वे मोह अभिमान इत्यादि से मुक्त होकर निर्मल हो जाते हैं। वे प्राणी आत्मा में ही परमात्मा को पहचान लेते हैं और सहज ही हरि नाम में लीन हो जाते हैं, किंतु सतगुरु के बिना प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वह मनमुखी प्राणी दीवानों की तरह दर दर भटकता रहता है। वह प्राणी उस प्रभु के शब्द का चिंतन नहीं करता, अपितु व्यर्थ ही वाद विवाद करता रहता है और पापों में ग्रस्त होने के कारण उस जीव की मुक्ति नहीं होती। पार ब्रह्म स्वयं ही सर्वसव है और इसके अलावा अन्य कोई नहीं। पार ब्रह्म जैसे प्राणी को स्वयं बुलाता है, प्राणी जैसे ही बोलता है और प्राणी उसके बुलाने पर ही बोलते हैं। गुरु की वाणी स्वयं ब्रह्म परमात्मा है और गुरु के शब्द द्वारा ही प्रभु से मिलन होता है। हे नानक, तू उस अकाल पुरुष का नाम सिमरण कर, जिसकी आराधना से तुझे शांति एवं सुख उपलब्ध होगा। श्री राग महला तीजा, जग हौ में मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाई, मल हौ में धोती किवे ना उतरे, जैसा तीर्थ नाई, बह विध कर्म कमाव दे, दूनी मल लागी आई, पड़िए मैल ना उतरे, पूछे ज्ञानिया जाई, मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होई, मन मुख हर हर कर थके, मैल न सकी धोई, रहा मन मैले भक्त न होब, नाम न पाया जाई, मन मुख मैले मैले मुए, जासन पत गवाई, गुर प्रसादी मन बसे, मल हौ में जाई समाई, जय अंधेरे दीपक बालिये, ता गुर ज्ञान अज्ञान तजाई, हम किया हम कर हंगे, हम मूरख गवार, करने वाला विसरया दूजे भाई प्यार, माया जेवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार, गुरमति सुख पाइये, सच नाम उर्धार, जिसनो मेले सो मिले, हाँ तिस बलिहारे जा, ए मन भक्ति रतिया, सच वाणी निज था, मन रते जी वह रती, हर गुण सच्चे गा, नानक नाम न बिसरे, सच्चे मह समा। समूचा जगत मोह माया में लिप्त होने के कारण अहंकार की मैल से बहुत दुखी है। संसारिक ममतत्व के कारण ही अहंकार की मैल लगती है। यह अहंकार की मैल किसी भी विधि द्वारा निर्वृत नहीं होती। चाहे प्राणी सैकड़ों तीर्थों का भी स्नान कर ले, अनेकों कर्म कांडों द्वारा भी यह मैल दुगनी हो जाती है और प्राणी के साथ कर्मों के फल स्वरूप लगी ही रहती है। धर्म ग्रंथों के अध्ययन द्वारा भी यह मलिनता दूर नहीं होती। इस बारे चाहे ब्रह्म वेताओं से पता कर लो। हे मेरे मन, यद्यपि तू गुरु साहिब के आश्रय में आ जाओ तो इस मलिनता से निर्वृत हो सकते हो। गुरु की शरण में आने से प्राणी निर्मल हो सकता है। मनमुख प्राणी हरि के नाम का उच्चारण भले ही कितना भी करते रहे, वे इससे थक गए हैं, किंतु उनकी मलिनता निर्वृत नहीं हुई। रहा मन अशुद्ध होने के कारण भगवान की भक्ति नहीं होती और ना ही नाम प्रभु प्राप्त होता है। मनमुख प्राणी मलिन ही जीवन व्यतीत करते हैं और फिर मलिन ही इस संसार से प्राण त्याग कर चले जाते हैं। वह अपना मान सम्मान गवाकर संसार से कूच कर जाते हैं। यदि गुरु की कृपा दृष्टि हो तो प्राणी की मलिनता नाश हो जाती है और पार ब्रह्म प्राणी के हृदय में वास करता है। जैसे दीपक जलाने से अंधकार में प्रकाश होता है, वैसे ही
सतगुरु की कृपा दृष्टि से अज्ञान का नाश होकर ज्ञान का आगमन होता है। सतगुरु के ज्ञान द्वारा अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। जो प्राणी कहते फिरते हैं कि हमने किया या हम करेंगे, वे अहंकार के कारण मूर्ख तथा गवार हैं। वे प्राणी कर्ता परमेश्वर को भूल कर गए हैं तथा ईर्ष्या द्वेष में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण उन्हें दुख भोगने पड़ते हैं। प्राणी के लिए कोई पीड़ा इतनी बड़ी नहीं जितनी माया की है। इसलिए प्राणी सारा संसार भ्रमण करके सुख संचय के प्रयास में ही लगा रहता है और धन के लोभ में भ्रष्ट होकर सारे जगत से थक हार कर चूर हो जाता है। लेकिन सतगुरु के उपदेश द्वारा सत्य नाम को हृदय में बसाकर परमात्मा मिलन का सुख प्राप्त करता है। जिस पुण्य आत्मा को परमात्मा प्राप्त हो जाता है, वही परमेश्वर से मिलन करवाता है। मैं उस पर कुर्बान हूँ। इस मन के ईश्वर भक्ति में लीन होने से सत्य वाणी द्वारा जीव निज स्वरूप में स्थिर रहता है। मन के लीन होने से जीव भी सत्य स्वरूप परमात्मा की महिमा गायन करती है। हे नानक, जिन्हें भगवान का नाम विस्मृत नहीं होता, वही सत्य में लीन होते हैं। महला चार, चौथी पातशाही, श्री गुरु रामदास जी की वाणी का शुभ आरंभ। श्री राग महला चार, घर पहला, मैं मन तन विरह अत अगला, कि प्रीतम मिले घर आई, जा देखा प्रभ आपना, प्रभ देखिए दुख जाई, जाई पूछा तिन सज्जना, प्रभ कित विध मिले मिलाई, मेरे सतगुर मैं तुझ बिन अंबर ना कोई, हम मूरख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेले हर सोई, रहा सतगुर दाता हर नाम का, प्रभ आप मिलावे सोई, सतगुर हर प्रभ बुझया, गुर जेवड़ अंबर ना कोई, हाँ गुर शरणा ढह पवा, कर दया मेले प्रभ सोई, मन हट कीने ना पाया, कर उपाव थके सब कोई, सहस स्याणप कर रहे मन कोरे रंग न होई, कूड़ कपट किन्ने ना पायो, जो बीजे खावे सोई, सब ना तेरी आस प्रभ, सब जिये तेरे तू रास, प्रभ तुद्ध है खाली को नहीं, दर गुरमुखानो सावास, विख भव जल डूब दे कट ले, जन नानक की अरदास, मेरी आत्मा वह देह विरह की दुख अग्नि में अत्यंत जल रही है, अब मेरा प्रियतम प्रभु किस तरह मेरे हृदय रूपी ग्रह में आकर मिलेगा। जब मुझे प्रियतम प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं, तो उसके दर्शन मात्र से ही समस्त दुख निर्वृत हो जाते हैं। जीवात्मा को अपने स्वामी प्रभु के दर्शनों की आकांक्षा है और वह कहती है कि मैं साधु संतों के पास जाकर निवेदन करती हूँ कि किस विधि से मुझे प्रियतम प्रभु के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। हे मेरे सतगुरु, आपके बिना मेरा अन्य कोई नहीं, मैं मूर्ख एवं ना समझ हूँ, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। मुझ पर कृपा करके उस प्रीतम प्रभु से मिलन करवा दीजिए। रहा सतगुरु ही प्रभु के नाम का दाता है, सतगुरु ही आत्मा का परमात्मा से सुमेल करवाता है। इसलिए सतगुरु महान है, सतगुरु ने ही अकाल पुरुष को जान लिया है। गुरु के बिना जगत में अन्य कोई बड़ा नहीं।